शेरे पंजाब दे राज विच एक निहंग सिंह सी, उहदा नाम सी सच्ची सरकार। हुण एक पासे रणजीत सिंह महाराजे नूं भी सच्ची सरकार कहा जांदा सी, एक पासे गुरु के निहंग सिंह ने भी अपने आप नूं सच्ची सरकार सदवाउणा। तो खालसा जी शिकायत चली गई भी सच्ची सरकार तुसी हो कि ओ गुरु की फौज। कहिंदे दरबार विच निहंग सिंह नूं बुलाया, दरबार विच बुला के पुछिया भी तुसी सच्ची सरकार क्यों सदवाउंदे हो। अगों निहंग सिंह ने कहा, खालसा होवे खुद खुदा जिम खूबी खूब खुदाए, आन ना माने आन की एक सच्चे बिन पातशाहे, सानू सच्ची सरकार पातशाह ने बनाया। रणजीत सिंह कहिंदा, जे ये गल है फिर क्यों ना इम्तिहान हो जावे साडा दोवां दा। पुछिया जी कैसा इम्तिहान, कहिंदे पहला तुसी मेरे बारे पुछो फिर मैं तुहाडे बारे पुछांगा। निहंग सिंह ने कहा ठीक है। पुछिया शेरे पंजाब नू तेरा नाम की है, कहण लगा मेरा नाम है रणजीत सिंह। कहिंदे तेरा निवास कित्थे है, कहिंदे लाहौर तख्त है। पिता दा नाम पुछिया, दादे दा नाम पुछिया, ते निहंग सिंह ने कहा तू हार गया। ते रणजीत सिंह ने पुछिया हारिया क्यों, कहिंदे हुण तू मैनू सवाल कर। महाराजा रणजीत सिंह ने निहंग सिंह नू कहा तेरा नाम की है, कहण लगा मेरा नाम है गुरु का साजिया नवाजिया खालसा, मेरा नाम है सच्ची सरकार। रणजीत सिंह महाराजे ने पुछिया तेरे पिता दा नाम की है, कहिंदा मेरे पिता दा नाम है साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह। तेरा निवास स्थान की है, कहण लगा मेरा निवास स्थान है आनंदपुर की धरती, जिहड़ा आनंदपुर की धरती ते जन्मिया हुंदा है उहदे चरणां विच बादशाह भी झुक जांदे ने। कहिंदे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सन्मान किया। सो खालसा जी, मेरे कहण तो मुराद कि जदों एक दर दे हो के बहीए ना फिर ही भटकना मुकदी है, फिर अंदर दी भुख दूरी हुंदी है, नहीं तो बंदे ते कुछ के ओदियां दी खातर अपना ईमान भी वेच देंदे ने।